तुम लोग यहाँ पे आ गए ना तो पार्षद तो क्या यहाँ से तुम विधायक बना दोगे। परमाणु बम में मेरे एक एक युवा क्रांतिकारी साथी अपने आप में 100-100 लोगों के बराबर है। लेकिन शुरू हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको गडरिया समाज के एक ऐसे महान दोस्तों ऐसे एक ऐसे महान आदमी को बताने जा रहा हूँ दोस्तों। उनका नाम है गिरिराज पहलवान। तो दोस्तों वो बहुत ही महान आदमी है दोस्तों। वो हमारे गडरिया समाज के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं दोस्तों। आज यूट्यूब पर सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए तो आप उनके भाषण सुनिए, तो आप उनकी बात को सुनिए और इतना सोचिए कि यार वो हमारे बारे में क्या क्या नहीं सोच रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ उनकी बात को ध्यान से सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं क्या। तो दोस्तों वो बोलेंगे तो दोस्तों वो बहुत बढ़िया आदमी है दोस्तों। वो अपने समाज के हित के ही बारे में बताते हैं और आप लोग खुद जानते हो कि वो हमारे बारे में कितना कुछ बोलते हैं। तो दोस्तों आप देखिए उनका। आगे चल के चुनाव आने वाले हैं तो हम समाज की एकता करने के लिए इंडिया में कई जगह पे जाते हैं, लेकिन हमारा वजूद इतना नहीं है अभी कि सब जगह पहुंच पाए। फिर भी मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं 10 लोगों के बीच में भी जाऊं, 10,000 लोगों के बीच में भी जाऊं। मैं सब भाइयों से इतना कहना चाहूंगा, आगे चल के 9 दुर्गे आएंगी, दशहरा आएगा तो त्योहार का टाइम है। हमारी समाज काम करती है हलवाई की दुकान पे या जो भी व्यवसाय करते हैं। दीपावली के बाद एक तारीख है संडे की, 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को इस कॉलोनी में एक ऐसा प्रोग्राम करना जिसकी चमक पूरी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दिख जाए। अभी दोस्तों से इतना निवेदन करना चाहूंगा, आज मुझे पता चला कल भूरा भैया ने मुझे इनवाइट किया कि मीटिंग में आना है, छोटी सी मीटिंग है। मीटिंग छोटी हो या बड़ी, लेकिन गिरिराज पहलवान को सिर्फ युवाओं को जगाने का बहाना चाहिए। नेट के माध्यम से बोलना चाहूंगा, 30 अक्टूबर को इस राजनगर के अंदर कम से कम इस कॉलोनी को छोड़ के अदर के कम से कम 400 लड़के यहाँ पर आए। सभी लोगों से बड़ा हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, आज मैं आपकी कॉलोनी में आया अपने 8-10 दोस्त लेके, क्योंकि मैं ग्वालियर में निवास करता हूँ, यहाँ अपने बेटे का इलाज करा रहा हूँ तो कुछ लोगों को जानता हूँ। लेकिन जिन लोगों को जानता हूँ ना, वो लोग यहाँ पे आ गए ना तो पार्षद तो क्या यहाँ से तुम विधायक बना दोगे। परमाणु बम में मेरे एक एक युवा क्रांतिकारी साथी अपने आप में 100-100 लोगों के बराबर हैं। लेकिन शुरू